पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी नामांकन भर दिया है। ऑनलाइन नामांकन के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिजिकली भी अपना नामांकन दाखिल किया। रोशनाबाद मुख्यालय में नामांकन के दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, बीजेपी के तीनों विधायक और सभी पूर्व विधायक मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया और इस दौरान माँ गंगा से अपनी जीत का आशीर्वाद लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि इस बार चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और दूसरी कांग्रेस की। ये जो लड़ाई है ये लोकतांत्रिक लड़ाई है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानकर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा की लड़ाई है, एक विचारधारा जो देश की मिट्टी की सौंद से निकली हुई विचारधारा है और एक ऐसी विचारधारा जो पश्चिम यानि सुदूर, जिसके संस्थापक एक गोरे थे, अंग्रेज थे, उन वहाँ से निकली हुई धारा है, विचारधारा है, तो हम इसको विचारधारा की लड़ाई मानते हैं। ये तो समय बताएगा, 4 जून को कौन दिवाली मनाता है, कौन होली मनाता है, उस दिन सब सामने आ जाएगा। दो रावत मैदान में है? कोई रावत मैदान में नहीं है, मैदान में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है। भाई साहब